हाय एवरीवन, दिस रचना एंड वेलकम टू माय चैनल रचना की रसोई। सो आज हम बनाने वाले हैं हेल्थी और टेस्टी नान खटाई। गेहूं के आटे से बनाएंगे और काफ़ी कम इंग्रेडिएंट्स में। तो चलो फिर जल्दी शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक बाउल में लेंगे हम 1 कप देसी घी। आप कोई भी कप या कटोरी ले सकते हैं मेजर करने के लिए। साथ में लेंगे पीसी हुई चीनी, ये भी 1 कप। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और बस इसे विस्क की हेल्प से हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से। और बस हमें इसे ऐसे फेंटना है, तब तक फेंटना है जब तक ये वाइटिश नहीं हो जाती। थोड़ा सा और फेंट लेंगे। अब आप देख सकते हैं काफ़ी वाइट हो गई है। तो बस फेंटने के बाद अब इस पर रखेंगे हम एक छन्नी और लेंगे 3 कप गेहूं का आटा। बस आटे को हम अच्छे से छान लेंगे ताकि अगर इसमें कुछ हो तो वो निकल जाए, इस तरह से। और अब हम लेंगे बेसन 1 और आधा कप, यानी कि 1.5 कप। इसे भी अच्छे से छान लेंगे। बेसन में आपको पता ही है मोटी मोटी गुठलियाँ सी होती है, तो इसे छानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब इसमें डालेंगे 1 पिंच सॉल्ट, 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें रह गई है डालनी, जो कि है बेकिंग पाउडर। वो आपको डालना है इसमें 1.5 टीस्पून। आपको इसे स्टार्टिंग में ही डालना है जिस टाइम आप आटे को छानते हो। मैंने इस टाइम डाला है, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आप इसे आटे जब छानोगे तभी डालना। तो बस इसे आप गूंद लेंगे, मतलब गूंदना नहीं है, बस इसे मिक्स करना है। अगर आपको ये ड्राई ड्राई से लगे तो आप 1-2 चम्मच घी इसमें और ऐड कर सकते हो। नान खटाई का डो तैयार है। तो बस इसके हम छोटे छोटे पोर्शन बनाएंगे और नान खटाई को शेप देंगे। मैंने यहाँ पे लिया एक प्लेट, उसे मैंने कवर कर लिया सिल्वर फॉइल के साथ। तो बस थोड़ा थोड़ा सा पोर्शन लेंगे और इस तरह से बनाएंगे इसकी बॉल्स। और बस थोड़ा सा प्रेशर देके इसे दबाएंगे। और आप देख सकते हैं इस जो हमारा डो है उसमें क्रैक्स बिल्कुल नहीं है। तो बस इस तरह से होना चाहिए आपका डो। मैं एक और आपको बना के दिखाती हूँ। बस इस तरह से आपने इसे शेप देनी है। और जो हमारी नान खटाई है उसे उसकी आप शेप ज़्यादा बड़ी मत रखना, इसी तरह से रखना, बिकॉज जब हम इसे पकाएंगे तभी ये थोड़ी अपने साइज़ में डबल होगी। तो बस इस पे लगा देंगे हम बादाम, आपके पास जो ड्राई फ्रूट हो जो आप लगाना चाहते हैं इस पे लगा सकते हैं। तो बस अब चलते हैं कढ़ाई की तरफ। कढ़ाई में हम डालेंगे 1 कप नमक, और इस नमक को मैंने काफ़ी बार यूज़ किया है। और रख देंगे स्टैंड और ऊपर से लगा देंगे लिड, या आप कोई भी प्लेट रख सकते हैं। और इसे प्रीहीट कर लेंगे लगभग 10 मिनट के लिए। और हमारी कढ़ाई प्रीहीट हो चुकी है। अब रख देंगे इसमें नान खटाई इस तरह से, और इसे कुक कर लेंगे हम 15 से 20 मिनट के लिए। बस जब ये एक साथ हो जाए आपको पता लग जाएगा कि ये कुक हो चुकी है, जो इनका साइज़ है वो डबल हो जाएगा और साइड से ब्राउन हो जाएगी। इस तरह से आप देख सकते हैं ये कुक हो चुकी है। और फ्लेम को कर दिया मैंने बंद, और आप देख सकते हैं इनके बीच में कोई गैप नहीं है। और ये अच्छे से कुक हुई है और इनमें क्रैक्स भी आ चुके हैं। अभी आपको इन्हें हाथ नहीं लगाना है बिल्कुल भी।
तो बस इन्हें निकाल लेंगे। और इस टाइम आपको इन्हें निकालना या छेड़ना नहीं होता बिकॉज़ ये काफ़ी सॉफ्ट होती है, अगर आप उठाओगे तो ये टूट जाएगी। तो बस इसे ठंडा कर लेंगे। तो बस हमारी नान खटाई तैयार है, मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। काफ़ी क्रंची होती है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है, और आटे से बनी है, आप जितनी मर्ज़ी खा सकते हो आराम से। तो बस आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना, आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और शेयर करना फ्रेंड्स और फैमिली में। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट एंड प्रेस द बेल आइकन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।